शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने, वो चले गए केंद्र में, कृषि मंत्री बने। और अतिथि विद्वान आज भी चक्कर काट रहे हैं भोपाल की राजधानी के, मध्य प्रदेश की। जी मिश्रा जी, अभी तो हमने देखे, अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज देखी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इनको परमानेंट करने का कर दिया था आदेश। लेकिन अभी मैं बीच में सुन रहा था इनके बेसिक, इनके मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य कि वो उनके बात रहे होंगे, अभी हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो अब क्या स्थिति इनकी बन रही है, तो यही बता सकेंगे पांडे जी, यही बता सकेंगे। मैं अपने बारे में बात करूंगा मिश्रा जी, कि लोगों को उत्सुकता होती है कि कितना हो रहा, क्योंकि 7 साल हो गए मिश्रा जी, 7 सालों में शिक्षा मित्रों का 5 नया पैसा भी न बढ़ना और पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार बढ़ते जाना, इससे लोग बिल्कुल इस स्थिति में कि कुछ क्लू निकल के आओ कितना होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी आपके लिए लगे हुए हैं, ये चैनल के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत माध्यम से लगे हुए हैं। और जितनी खुशी शिक्षा मित्रों की होगी, आंदेशकों की होगी, अगर बढ़ेगा मानदेय, उससे कहीं ज्यादा खुशी इनको होगी कि हम इन लोगों के साथ अगर डट के खड़े रहे और इनकी पैरवी अगर मैंने की तो मानदेय वृद्धि या जो भी इनको साधन कुछ मिले हैं सरकार की तरफ से, तो ये जब सबसे ज्यादा खुश होंगे। और ये बताने की स्थिति में मैं आज भी कह रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, ये बताने की स्थिति में अभी कोई नहीं है जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति न हो जाए कि कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ेगा कि 1,000 बढ़ेगा कि 20,000 बढ़ेगा कि 10,000 बढ़ेगा कि 5,000 बढ़ेगा, ये कोई आज बताने की स्थिति में, मिश्रा जी साफ साफ शब्दों में कोई बताने की स्थिति में नहीं है ना हमारे जो हमारे साथ अधिकार हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। शिक्षा मित्रों के अंदर काफी कहा जाए कि काफी कंफ्यूजन की स्थितियां थी कि आखिर हमारे भविष्य निर्धारण के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या स्थायीकरण होगा भी या फिर नहीं। फाइनल इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, इसके ऊपर फाइनल तरीके से एक बयान भी प्रेषित हुआ है, उस बयान को आगे वीडियो के साथ में आप सभी को दिखाएंगे, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके मध्य में सारी बातें प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं, हाल ही के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी वार्ताएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जी जी जी, आ रही आवाज सर? आ गई जी, पूरी करिए। धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा, जुड़िए जी, अपनी बात रखें। आशीष जी, कुल मिला के ये है कि मैं एक बात बड़ा बेबाकी से कहता हूं और उसे रखता हूं, मुझे नहीं उससे सबसे कुछ होता है, कि भारतीय जनता पार्टी जहां वादा करती है वो पूरे नहीं करती, और जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है वहां सारे शिक्षक नियमित कराती है, आप भी उसके भुक्तभोगी है। आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? एक हर दल का एक अपना सिस्टम होता है। इस मामले में मैं कई और पार्टियों की बात करूं तो बिल्कुल अगर वो कह देते हैं तो फिर उस बात पर फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो आप फिर पीड़ित रहेगा। मैं पहले जी मैं आपकी अभी इतनी लाइव, इतनी बेहतरीन डिबेट के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं मध्य प्रदेश की ओर से। और मतलब ये कहना चाहिए भाई साहब कि वर्तमान समय जो चल रहा है, तो जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं उनको जनता का दर्द दिखता है, और सत्ता पाते ही वो पार्टियां उन जनता के दर्द को भूल करके अपने अपने उसमें लग जाती हैं। उसके लिए मैं जो भी रमेश मिश्रा जी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, मैं सबकी ओर से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज जिनको मामा कहते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी बोले थे पिछले साल, टाइगर अभी जिंदा है, जब कमलनाथ की सरकार थी, कि सुन लो कमलनाथ, अगर